हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु HDFC बैंक तरफ एक बहुत बड़ निजुक्ति आसी अछि। जदि आपण माने दशम प्लस टू किंबा प्लस थ्री भी पास करथिबे तबे एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। देखि परथिबे एथिरे 5000 रु भी अधिक पोस्ट पई वैकेंसी रहिछि। ओडिसा रा प्रति जिल्ला पई पोस्ट होइबो, केउ जिल्ला रे केते पोस्ट होइबो, आपण माने किपरि निज मोबाइल माध्यम रे अप्लाई करिबे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एही वीडियो शेष रे मु आपनको कहिबी। जदि आपण माने एही पोस्ट अप्लाई करबा पई इंटरेस्ट रखुछंती तेबे एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चालंतु प्रथमे आलोचना करि नेबा जे कोन रहिछ रे ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण माने निज जिल्ला रासुथिबा एही भली सरकारी जॉब रो न्यूज पाया पई चाहुछंती तेबे हमर चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियोटी को भी गोटिए लाइक कर दियंतु। फ्रेंड्स देखंतु ए नोटिफिकेशन टी HDFC बैंक तरफ आसी अछि। एथिरे केउ माने अप्लाई करि परिबे, एथिरे ऑल ओडिसा रा पिला माने अप्लाई करि परिबे। एथिरे ऑल इंडिया पई पोस्ट होईची, आम ओडिसा पई भी पोस्ट होइबो, एथि पई एथिरे आम ओडिसा रा पिला माने भी अप्लाई करि परिबे। एहा सहित उभय पुरुष और महिला प्रार्थी माने मध्ये एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। देखि परथिबे एथि पई सैलरी भी बहुत भल रहीची। 24000 टंका ठा आरंभ करी 32000 पर्यंत आपन के एथिरे स्टार्टिंग रे सैलरी मिलि परिबो। देखंतु जदि आपन माने सिलेक्शन भी पाउछंती तो निजो डिस्ट्रिक्ट रे ही इहारो जॉब लोकेशन टी रहिबो। एथिरे मोट 5000 रु भी अधिक पोस्ट पई वैकेंसी रहिछि। आम ओडिसा पई भी एथिरे वैकेंसी रिजर्वेशन रहिबो। एहा पर देखंतु एथिरे केउ पोस्ट पे नियुक्ति आसी अछि। एथिरे डिफरेंट टाइप रे पोस्ट होइछि। प्रथमत एथिरे सेल्स मैनेजर पई पोस्ट होइछि। एहा पर होइछि असिस्टेंट बा रिलेशनशिप मैनेजर पई पोस्ट होइछि, क्लर्क पई पोस्ट होइछि, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पई पोस्ट होइछि एवं ब्रांच मैनेजर पई भी पोस्ट होइबो। आपण चाहिले एथिरे जेकोनसी भी पोस्ट अप्लाई करि परिबे। आपणकर क्वालिफिकेशन एवं एक्सपीरियंस अनुसार डिफरेंट टाइप रो पोस्ट अप्लाई करि परिबे। एहा पर देखंतु एथि पई कोन सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहिबो। जदि आपण माने मैट्रिक प्लस टू किंबा प्लस थ्री भी पास करथिबे तबे ई पोस्ट अप्लाई करि परिबे। आर्ट्स साइंस कॉमर्स जेकोनसी स्ट्रीम रे भी जदि आपण माने प्लस टू किंबा प्लस थ्री कंटिन्यू किंबा पास करथिबे तबे निश्चित रूपे एथिरे अप्लाई करि परिबे। देखंतु प्लस टू कंप्लीट होइथिबो किंबा प्लस थ्री जदि आपणकर कंटिन्यू चालुथिबो तबे भी अप्लाई करि परिबे, किछि भी असुविधा नाही। एहा पर देखंतु एथि पई कोन सब एप्लीकेशन फी रहिबो। फ्रेंड्स सबुठारु बड़ कथा या जे एथि पई कोनसी भी एप्लीकेशन फी आपनको देबार आवश्यक नाही, कारण नो फी रहिछि। जेहेतु एथिरे एग्जाम नाही, केवल इंटरव्यू द्वारा ही सिलेक्शन करा जाउछि, एथि पई एथिरे कोनसी भी एप्लीकेशन फी रखा जाय नाही। जनरल ओबीसी एससी एसटी समस्त कैटेगरी पिला मानको पई फ्री रहिबो, मागणा रे ही एथिरे आपन माने अप्लाई करि परिबे। एहा पर देखंतु एथिरे केउ पोस्ट पई केते सैलरी रहिबो। जदि आपन माने सेल्स मैनेजर बा एसएम पोस्ट अप्लाई करुछंती तो एथि पई 20000 टंका ठारु आरंभ करी 28000 पर्यंत आपनको एथिरे सैलरी मिलि परिबो। जदि आपन माने असिस्टेंट बा रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट अप्लाई करुछंती तो 18-24000 मध्ये एहारो बेसिक सैलरी टी रहिछि। नेक्स्ट होछि क्लर्क। देखंतु दुईटि क्लर्क रहिछि, गोटि होछि डायरेक्ट एवं अन्यटि होछि एग्जाम बेसिस रे। एग्जाम बेसिस रे आपनको अधिक सैलरी देखिबा कोनिबो। जेहेतु एहा होछि एक डायरेक्ट रिक्रुटमेंट, आपनको इंटरव्यू द्वारा सिलेक्शन करा जाउछि, तो क्लर्क पोस्ट रे भी 22000-32000 मध्ये सैलरी टी रहिबो। नेक्स्ट होछि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एथिपाई 25500-32000 मध्ये आपनकर बेसिक सैलरी टी रहिबो। तो जाने परिले केउ पोस्ट पे केते सैलरी रहिबो, सेही अनुसार आपन माने एथिरे अप्लाई भी करि परिबे। एहा पर देखंतु एथिपाई कोन सब एज लिमिट रहिछि। एथिपाई मिनिमम रहिछि 18 वर्ष एवं मैक्सिमम 40 वर्ष बयस रहिबो। जदि आपनकर आजि ठारु 18 वर्ष बयस होइ जाउथिबो, काउंट करिबे मे मास ठारु, मे 25 ठारु जदि आपनको 18 वर्ष बयस होइ जाउथिबो तबे आपण माने पोस्ट पे एलिजिबल होइ परिबे एवं मैक्सिमम 40 वर्ष बयस रहिबो। या छोडा ओबीसी मानको 3 वर्ष, एसीएसटी मानको 5 वर्ष एवं फिजिकल हैंडिकैप्ड पिला मानको अतिरिक्त ए सुविधा जहाँकि 10 वर्ष मिल पारिबो। एहा पर देखंतु एथि पई कोन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़िबो। फ्रेंड्स जेतेबेले आपण माने एथि अप्लाई करिबे, अप्लाई कला समय केवल गोटिए डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़िबो, ता होची बायोडाटा फॉर्म बा रिज्यूम। जदि आपण माने सिलेक्शन पाइबे इंटरव्यू समय रे एथिरे अन्य किछि डॉक्यूमेंट जेपरि कि मैट्रिक प्लस टू प्लस थ्री जहाँ भी आपणकर क्वालिफिकेशन थिबो, समस्त क्वालिफिकेशन रा सर्टिफिकेट, जदि आपणकर कोनोसी एक्सपीरियंस थिबो जेपरि कि कंप्यूटर एक्सपीरियंस तो आपणकर से सर्टिफिकेट, या सहित आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एही किछि डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़िबो। किंतु स्टार्टिंग रे जेतेबेले आपण माने अप्लाई करिबे, अप्लाई कला समय रे केवल एही गोटिए फॉर्म जहाँ कि रिज्यूम रा आवश्यक पड़िबो, आपण माने केउठु आणिबे से विषय भी कहिदेबि। एहा पर देखंतु एथिपाई कोन सब एप्लीकेशन मोड रहिछि। एथिपाई तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड रहिबो, आपण माने निज मोबाइल द्वारा ही एथिरे अप्लाई करि परिबे, कोनसी स्थान को जिबार आवश्यक नाही। देखंतु
जो स्टार्टिंग डेट रही स्टार्ट हो सारी आपण मैंने आज एप्लाय करेंगे आपण को 30 दिन समय मिले आप्लाय करने आपण मैंने 30 दिन भितर एप्लाय करेंगे। तो फ्रेंड्स चलतु एवं आलोचना करवा जे आपने किपर एप्लाय करेंगे पिलामने देखंतु एथिरे आपण माने किपरि अप्लाई करिवे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहिदेबी एथिपई आपण माने ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिनियंतु। प्रथमे आपण माने निज मोबाइल थिबा गूगल को ओपन करंतु। ओपन कला परे ए सर्च बॉक्स उपर क्लिक करंतु। एहा पर सर्च करंतु कोन सर्च करिवे सिंपली लिखिबे ओडिसा देन स्पेस ते लिखिबे जीओवीटी देन स्पेस ते लिखिबे जॉब देन लिखिबे डॉट देन लिखिबे इन देखि परतिबे कोन टाइप करले सिंपली आपण माने एबोली लिखिबे ओडिसा जीओवीटी जॉब डॉट इन। तो सिंपली आपने एठारे क्लिक करेंगे सर्च ऑप्शन उपरे देखंतु सर्च ऑप्शन उपरे क्लिक कला परे आपन को गूगल रो प्रथम पेज रे ही ए साइट देखिबा को मिलिबो जहाँ कि लिखा है ओडिशा जीओवीटी जॉब। तो सिंपली आपने एठारे क्लिक करंतु देखंतु क्लिक कला परे किसम लड़ेबो यहाँ परे ए पोस्ट ओपन हो जीवो। तो फ्रेंड्स आपने सिंपली तल को स्क्रॉल डाउन करेंगे देखो ये मोर जॉब्स रो सेक्शन रे आपको HDFC बैंक रिक्वायरमेंट रो नोटिफिकेशन टी देखा मिल। तो सिंपली आप नोटिफिकेशन रो लिंक उपरे क्लिक करूँ देखु क्लिक कलापर आपन को ये पोस्ट रो समस्त इनफर्मेसन देखा मिल कौन को पोस्ट देखा मिल आप्लायर लास्ट डेट कौन रही से विषय भी लिखा जाए भल भाव पढ़ी ने क्वालिफिकेशन देखु बेसिक जहाँकि मेट्रिक प्लस टू ग्रेजुएशन आपंकर अप्लाई करेंगे जदि आपंकर कंप्यूटर नॉलेज थी तेज आपको ये प्रिफरेन्स भी मिल DCA PGDCA जहाँ भी आपंकर आपको प्रिफरेन्स मिल एज तो कहली 18-40 सैलरी आपको भी बहुत भल मिल आलाउंस भी मिल। तो देखो किपर आप्लाय करेंगे टाइम वेस्ट नकदे शेष को देखो जो वेबसाइट शेष में एक इंपोर्टेंट लिंक अच्छी एटर को आपने भिजिट करूँ अप्लाय ऑनलाइन लिंक अच्छी। तो सिंपली आपने क्लिक करूँ क्लिक हेयर ऑप्शन उपरे देखंतु क्लिक हेयर ऑप्शन उपरे क्लिक कला परे आपण को एबली किछि देखा जिवो जाकि HDFC बैंक रो ऑफिशियल साइट। तो देखंतु एठारे एको आपण को एबली किछि सो हेबो आपण को एठारे एको स्टेट रो ऑप्शन टी देखा जिवो देखि परतिबे लिखा जाय छि स्टेट सॉरी फ्रेंड्स स्टेट ऑप्शन उपरे क्लिक करिवे क्लिक कला परे देखंतु एठारे लिखिबे ओडिसा सिंपली लिखंतु ओडिसा लिखिला परे ए जो सर्च रो ऑप्शन अछि ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु देखंतु ओडिसा उपरे क्लिक कला परे टिके पॉज करी देखिबे वीडियो टिको न बुझिले देखंतु क्लिक कला परे आम ओडिसा रे जहाँ भी पोस्ट आसी छि से जॉब रो समस्त इनफॉरमेशन देखिबा को मिलिबो देखंतु ओडिसा पई टोटल एथिरे 330 गोटी पोस्ट होई छि देखंतु प्रथमत रही छि भुवनेश्वर पई रही छि जाकि सिटी नेक्स्ट होई छि भद्रक पई रही छि देखि परथिबे भद्रक ओडिसा पई वैकेंसी रही छि सेल्स मैनेजर एवं डिफरेंट टाइप रो पोस्ट होई नेक्स्ट होई ओडिसा रो कौन से सिटी सिटी पई रही पोस्ट नेक्स्ट देखंतु कटक पई रही देखि परथिबे कटक पई पोस्ट अछि आपन मन टिके भला भाबरे चेक करि नेबे जे आपन को डिस्ट्रिक्ट रो नेम अछि कि नाही देखंतु जदि आपन को डिस्ट्रिक्ट रो नेम भी नथिबो तो सिटी रो भी नेम थिबो चेक करि नेबे भला भाबरे नेक्स्ट होई जगतसिंहपुर जगतसिंहपुर पई किछि पोस्ट होई नेक्स्ट होई बालेश्वर बालेश्वर पई किछि पोस्ट होई नेक्स्ट होई भुवनेश्वर नेक्स्ट होची राउरकेला जहाँकि सुंदरगढ़ जिलार। तो देखो जदि आप सीट्र नाम भी थी तेज आप्लाई करेंगे किसी भी असुविधा ना नेक्स्ट तालचेर जदि आप अनुगुल ढेंकनाल होवा देवगढ़ हो तो आपंकर निकटस्थ सिटी तो आपरे आप्लाय करेंगे संबलपुर भी रही देखु संबलपुर पाने चाहिए यही पोस्ट भी आप्लाय करेंगे देखो ये डेस्क्रिप्सन मेनसन अच्छी भला भाव पढ़े यही भाव खोर्धा नेक्स्ट होची राउरकेला भुवनेश्वर ब्रह्मपुर यह भाव डिफरेंट डिफरेंट रही देखो ब्रह्मपुर भी पोस्ट होती जदि आप गंजाम रहीदे तो ब्रह्मपुर भी आप्लाय करेंगे एवं देखो किपर आप्लाय करेंगे स्टेप टी कहीदे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी। तो सिंपली आपने जो पोस्ट भी आप्लाय करने चाहते जो पोस्ट पाखर अच्छे एक आप्लाय लिंक देखि पार्थे एटे एक आप्लाय लिंक अच्छी। तो सिंपली आपने आप्लाय लिंक उपरे क्लिक करूँ देखो क्लिक कलापर एटे एक इमेल और पासवर्ड मागुची तो आपने सिंपली आपंकर इमेल और पासवर्ड टी एंटर करेंगे जदि आप प्रथम थर आप्लाय करूँ तो न्यू यूजर एक ऑप्शन अच्छी देखि पार्थे शेष में तो सिंपली आप माने ए न्यू यूजर ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु देखंतु क्लिक कला परे किसम लड पिला माने देखंतु आप माने से अप्लाई लिंक उपरे क्लिक कला परे आपन को जो स्टेप टी कहली स्टेप टी को कंप्लीट करिवे एहा परे आपन को समक्ष एई भुले एको ऑप्शन टी आसीबो अपलोड रिज्यूम देखंतु एठरे आपन को रिज्यूम बा बायोडाटा फॉर्म टी को अपलोड करिवे
जदि आपखे ना तो जेकोसी नेटजोन को जाए क्रिएट करें यापर अपलोड करेंगे यापर रिव्यू प्रोफाइल आपंकर प्रोफाइल टी कम्प्लीट करेंगे जपरिकी क्वालिफिकेशन कौन रही एड्रेस आपंकर हाइस्ट क्वालिफिकेशन कौन कंप्यूटर नॉलेज अच्छी ना ये किसी इनफर्मेशन ए प्रोवाइड करेंगे शेष कंप्लीट रही कंप्लीट आपने भल भाव चेक करे तो फ्रेंड्स आपने अप्लाई करेंगे तो यह किसी प्रोसेस आपने जो पोस्ट भी अप्लाई करने चाहते से पोस्ट अप्लाई करेंगे जदि आपको डाउट लगुच कमेंट करूँ तो फ्रेंड्स यह संपूर्ण इनफर्मेशन।